हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उमर जोन। इलस्ट्रेटर CS6 के हिंदी ट्यूटोरियल पार्ट 20 में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम ऑनलाइन मीट शॉप का लीफलेट डिज़ाइन करेंगे। हमारे पिछले ट्यूटोरियल में हमने ऑनलाइन मीट शॉप का लोगो डिज़ाइन किया था और मैं जो है अपने व्यूवर्स से माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि इस लीफलेट में हम जो है कुछ नॉनवेज इमेजेस का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक नया डॉक्यूमेंट बनाएंगे, उसके लिए फाइल में जाएंगे, न्यू पर क्लिक करेंगे और जो है इस डॉक्यूमेंट का नाम हम लीफलेट ऑफ ऑनलाइन मीट शॉप देंगे, ठीक है। और साइज़ A4 लेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। अगर आप इस डॉक्यूमेंट को प्रिंटिंग के लिए देना चाहते हैं तो आप जो है डॉक्यूमेंट सेटअप में जाकर जो है डॉक्यूमेंट कलर मोड में जाकर इसको CMYK के कलर प्रोफाइल कर सकते हो, लेकिन अब जो है हम इसको सिर्फ हो सकता है कि इसको इस न्यूज़ लेटर के लिए हम इस्तेमाल करें, या हम इसको व्हाट्सएप मार्केटिंग के लिए हम इस्तेमाल करें, ईमेल मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल करें। तो इस लीफलेट का जो है हम अभी कलर मोड RGB रखेंगे। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैंने सारी फाइल्स जो इस लीफलेट के डिज़ाइन में लगने वाली है सब एक फ़ोल्डर में लाकर कॉपी पेस्ट किया है, और ये फ़ोल्डर जो है मेरा लिंक्स बोलकर मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है और उसमें मैंने सारी ये फाइल्स लाकर रखी है। आप भी जो है जितनी भी आप कोई भी इलस्ट्रेटर में आप डिज़ाइनिंग करें तो जब जिस जगह फ़ोल्डर में आप अपने फाइल को सेव करेंगे वहाँ पर एक आप और फोल्डर क्रिएट करें और उस फोल्डर में जो है आप अपनी सारी इमेजेस, आपका सारा मीडिया, सारा असेट जो है आप वहाँ पर पेस्ट करें उस फोल्डर के अंदर, और उस फोल्डर का नाम आप लिंक्स रखें, LINKS लिंक्स। लिंक्स मतलब सारी इमेजेस, सारा जो है आपका मीडिया, PNG फाइल, JPG फाइल, सारी लिंक्स, जितनी लिंक्स एक प्रोजेक्ट में लगती है सारी लिंक्स आपकी उस फोल्डर में रहेगी। ऐसा ना करें कि एक फाइल किसी और फोल्डर में, दूसरा फाइल ई ड्राइव में है, तीसरा फाइल आपका सी ड्राइव में है। साझा जितनी फाइल्स आपको आपके प्रोजेक्ट में लगने वाली है तमाम फाइल्स को आप लाकर एक लिंक्स का फोल्डर बनाए और उस फोल्डर्स में आप सारी फाइल्स लाकर पेस्ट कर दें। तो यह हमारी इमेजेस है जिनका हम इस्तेमाल करके लीफलेट बनाएंगे। इसमें मैंने PhD कटआउट कर भी रखा है, तो इस PhD का भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक बैकग्राउंड बनाऊंगा रेक्टेंगल टूल के ज़रिए, और इस बैकग्राउंड का कलर मैं येलो दूंगा। इसको फिर मैं इस बैकग्राउंड को ऑब्जेक्ट में जाकर इसको मैं लॉक कर दूंगा, और उसका शॉर्टकट Ctrl+2 भी है। तो ये भी हमारा लॉक हो गया। अब इसके बाद जो है मैं इसके लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर पर जो है दो शेप ड्रॉ करूँगा, और उस शेप को जो है एक रेड कलर दूंगा और दूसरे शेप को मैं जो है थोड़ा डार्क कलर का, हल्दी कलर जिसको कहते हैं हम लोग, टर्मेरिक कलर, उसका मैं जो है उसको येलो कलर दूंगा। ये मेरा शेप है। अब मैं जो है डिलीट एंकर पॉइंट टूल सेलेक्ट करूँगा और इससे इसका एक पॉइंट डिलीट करूँगा। फिर मैं ऐड एंकर पॉइंट टूल सिलेक्ट करूँगा और इसमें मैं एक ऐड पॉइंट ऐड कर दूँगा। अब जो है मैं यहाँ पर आऊँगा और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में सिलेक्ट करूँगा, और इससे जो है मैं इसको एडजस्ट करूँगा। अभी आप देख रहे हैं कि एकदम शार्प कॉर्नर आ रहा है, मैं चाहता हूँ इसका कॉर्नर जो है राउंड हो, तो उसके लिए मैं क्या प्रेस करूँगा, Shift+C, ठीक है। शेप टूल से, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैंने इस पॉइंट को सिलेक्ट किया और मैंने Shift+C दबाया, उसका शॉर्टकट जो है कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल का जो शॉर्टकट है वो शॉर्टकट है Shift+C। तो Shift+C दबाने से फिर जो है ये आपका एक कर्व में आपका जो है शेप जो एंकर पॉइंट है वो कर्व में आपका कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसको जो है अभी हम एडजस्ट करेंगे कुछ इस तरह से हमारा शेप बने जो अच्छा लगे। तो उसके लिए मैंने इसको
इस तरह से एडजस्ट कर दिया। ठीक है, ये एक हमारा शेप तैयार हो गया। अब इसका आउटलाइन मैं नन कर दूंगा और इसका फिल कलर मैं रेड कलर लूंगा या डार्क मरून लूंगा। बाद में इस कलर को हम थोड़ा और एडजस्ट करेंगे, थोड़ा और इम्प्रूव करेंगे। अब मैं इस शेप का डुप्लीकेट बनाऊंगा, उसके लिए एडिट में जाके इसको कॉपी करूंगा, फिर इसको पेस्ट इन फ्रंट करूंगा, फिर अपने एरो कीज़ जो है कीबोर्ड पर जो एरो कीज़ है, डाउन एरो अप एरो, उससे मैं थोड़ा इसको एडजस्ट करके इसके कॉर्नर को जो है अपने डॉक्यूमेंट से टच कर दूंगा, इसके जो पॉइंट्स है। अब इसका कलर मैं थोड़ा सा डार्क येलो जो है वो लूँगा और इसको ऑब्जेक्ट में जाऊँगा, अरेंज में जाऊँगा, इसको सेंड टू बैक करूँगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट में जाकर ब्रिंग फॉरवर्ड। ठीक है, ये हमारा एक शेप बना भी। अब इसके अंदर मैं एक इमेज को लाकर पेस्ट करूँगा, तो इमेज को पेस्ट करने के लिए फाइल में जाऊँगा, यहाँ पर प्लेस का जो है हमारा बटन है या ऑप्शन है उस पर क्लिक करूँगा, फिर जो मैं इस इमेज को चिकन का जो इमेज है इसको मैं इम्पोर्ट करूँगा और इलस्ट्रेटर में इम्पोर्ट को इम्पोर्ट का जो दूसरा नाम है उसको प्लेस कहते हैं, तो मैंने इसको प्लेस किया, तो ये डॉक्यूमेंट अभी हमारी इलस्ट्रेटर फाइल में आ गया। अब मैं इसको जो है ट्रांसफॉर्म टूल सिलेक्ट करूँगा और ट्रांसफॉर्म टूल से जो है मैं इसको छोटा करूँगा थोड़ा। ये हमारा फ्री ट्रांसफॉर्म टूल है, उसका शॉर्टकट ई है। कोई भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर आप ई प्रेस करेंगे तो उसका हाइट आप छोटा बड़ा कर सकते हो, उसको आप इस तरह से रोटेट कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैंने इसको लिया। अब मैं यहाँ जाकर चेक करूँगा कि मेरा अलाइन का जो ऑप्शन है वो अलाइन टू आर्टबोर्ड है कि नहीं। अभी अलाइन टू आर्टबोर्ड है, तो मैं इमेज को इसको कहते हैं आपको इसको कहते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल अलाइन राइट और इसको कहते हैं वर्टिकल अलाइन टॉप। अब मैंने इसको इस तरह से अलाइनमेंट में ले लिया। अब मैं ऑब्जेक्ट में जाऊंगा, अरेंज में जाऊंगा, इसको करूंगा मैं सेंड बैकवर्ड, वापस ऑब्जेक्ट अरेंज और सेंड बैकवर्ड, उसका शॉर्टकट कंट्रोल प्लस ब्रैकेट है। ठीक है, ये भी हमारा एक इमेज हमने प्लेस किया। अब ये रेड कलर जो है मैं इसको आई सिलेक्ट करूँगा, आई ड्रॉपर में जाऊँगा और मैं टोमेटो रेड कलर लूँ, टोमेटो का जो रेड कलर है शिफ्ट दबाकर वो रेड कलर मैंने इसमें प्लेस किया। अब इसके बाद जो है इसको और इम्प्रूव करेंगे, थोड़ा थोड़ा क्रिएटिविटी अपनी जो है सोच इसमें लगाएंगे। उसके लिए मैं क्या करूँगा, अभी मैं एक और पेन टूल का मैं इस्तेमाल करूँगा, तो हमारी पेन टूल है यहाँ पर, उसका शॉर्टकट पी है। पेन टूल लेकर मैं अब एक शेप ड्रॉ करूँगा, ये एक शेप हमारा ड्रॉ हो गया। अब इसके बाद मैं इस शेप को एडिट में जा इसको मैं जो है ये वाला जो येलो कलर है हमारा, इस येलो कलर का नाम क्या है, इसका नाम जो है, इसका नाम तो नहीं है मगर इसका सियान जो है ज़ीरो है, मजेंटा इसका 10 का वैल्यू है, येलो इसका 95 है और ब्लैक इसका ज़ीरो है, के यानी ब्लैक। तो इसको सिलेक्ट करके आई ड्रॉपर पर जाऊँगा और मैं ये कलर इसका इसमें फिल करूँगा, आई प्रेस कर ये कलर मैंने फिल किया। अब इसके बाद इसी शेप को मैं वापस डुप्लीकेट करूँगा, एडिट में जाके कॉपी और इसके पेस्ट इन फ्रंट करूँगा। अब इसको शिफ्ट और एरो दबा के थोड़ा सा इसको मैं नीचे लूँगा। अब मैं इसके शेप को थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लूँगा और मैं इसको जो है थोड़ा सा और ऊपर लूँगा और इसको और थोड़ा एडजस्ट करूँगा, इसको थोड़ा सा नीचे लूँगा। अब मैं इसका कलर ये वाला इसमें कलर में फिल करूँगा। ठीक है, अब रहा ये इमेज,
इमेज को जो है मैं पेन टूल से मैं जो है इमेज को अभी इसको एक ऐसा शेप में ड्रॉ करूँगा, क्योंकि मुझे इमेज को जो है जितना इमेज हमारा विजिबल है उतना ही इतना ही मुझे क्योंकि इमेज जो है अपना दिखाना है, इसलिए मैंने इसको भी क्लिपिंग मार्क्स किया। मैं वापस बताता हूँ मैंने क्या किया। मैंने जो है पेन टूल लिया, पेन टूल से जो है इसको आप ऐसा सिलेक्ट करें, जितना हमको इमेज का पोर्शन दिखाना है उतना ही पोर्शन अभी इसमें दिखेगा, ठीक है। इसके लिए मैंने एक मास्क ड्रॉ किया, इसको कहते हैं क्लिपिंग मास्क, इसको मैंने मैं क्लिपिंग मास्क कर दिया। अभी देखेंगे हमारा शेप जो है ये अभी सारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आ गया, सारे शेप्स के ऊपर आ गया ये जो इमेज का शेप है। अब इसके लिए मैं ऑब्जेक्ट में जाऊंगा, अरेंज में जाऊंगा, सेंड टू बैक करूंगा, फिर वापस ऑब्जेक्ट में जाऊंगा, अरेंज में जाऊंगा, ब्रिंग फॉरवर्ड करूंगा। तो ये हमारा इमेज जो है ये इसके अंदर आ गया क्लिपिंग मास्क में। इसके बाद अब मैं क्या करूँगा, अब जो है मैंने जो कटआउट एक बना कर रखा है, ये कटआउट है हमारा कौन सा लोगो, ये जो एक मुर्गे का कॉक का कटआउट करके रखा है, इसको मैं प्लेस करूँगा। फाइल में जाऊँगा, प्लेस, और मैं यहाँ पर जो है लोगो कॉक रखा है ये मैंने प्लेस किया, इसको मैं छोटा करूँगा, इसको यहाँ लाकर रखूँगा, फिर इस पर राइट क्लिक करूँगा, ट्रांसफॉर्म में जाऊँगा और इसको मैं रिफ्लेक्ट करूँगा। ये रिफ्लेक्ट हो गया, अब इसका हाइट में थोड़ा बड़ा करूँगा, इसको मैं इस तरह से रखूँगा। आप जो है अपने हिसाब से इसका एडजस्टमेंट करें, आप जैसा डिज़ाइन बनाना चाहते हैं आप वैसा इसको एडजस्ट करें, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लाकर रखा इसको। अब हम क्या करेंगे, हम जो है इस ये जो दो शेप है ये दो शेप को हम थोड़ा सा और बड़ा करेंगे, इसके लिए दोनों शेप सिलेक्ट करेंगे, ये थोड़ा सा शेप हमारा और थोड़ा बड़ा हो गया। इसके बाद जो है हम इस जो ये जो हमारी लेग्स है चिकन की, इसको हम थोड़ा और बड़ा करेंगे, और हमारा जो मास्क है इसके मास्क को भी जो है हम थोड़ा सा और बड़ा कर देंगे। उसके लिए इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, इसका मास्क भी हमने बड़ा किया। अब इसको जो है हम यहाँ पर जो है एक और मैं फाइल में जाकर इंपोर्ट करूँगा, प्लेस, इसका नाम है चिकन ऑन प्लेट, एक प्लेट में चिकन रखी हुई है, इसको मैं छोटा करूँगा और मैं इसके पैरों पे ला के रख दूँगा, ताकि इसके पैर जो है ये इसके पैर ढक जाए, छुप जाए, हाइड हो जाए। अब जो है इस मुर्गे को, इसको भी मैं क्लिपिंग मास्क करूँगा, तो मैंने रेक्टेंगल लिया और मैं ऐसा एक मास्क ड्रॉ करूँगा और इसको सिलेक्ट करूँगा। इसकी जो पूंछ है और इसका जो सीधा हाथ है वो हमको छुपाना है, तो मैं इस पर मैं क्लिपिंग मास्क कर दूँगा, ठीक है। अब ये प्लेट को भी मैं ऑब्जेक्ट में जाकर अरेंज में जाकर ब्रिंग टू फ्रंट करूँगा और इस प्लेट को भी मैं क्लिपिंग मास्क करूँगा। अब प्लेट को सिलेक्ट करूँगा और मैं क्लिपिंग मास्क, ठीक है। ये अभी हमारी एक बेसिक डिज़ाइन तैयार हो गई। अब इसके बाद हमको जो है, क्योंकि हम तीन चीज़ें बेचने वाले हैं, हम जो है फिश बेचने वाले हैं और हम मीट बेचने वाले हैं ऑनलाइन, और जो है हम ऑनलाइन सी फूड बेचने वाले, तो इसलिए मैं अभी तीन इमेजेस मेरे पास और है। सबसे पहले जो है मेरे पास चिकन है, चिकन जो है इसको कॉपी करूँगा, इसको पेस्ट करूँगा। चिकन हम बेचने वाले हैं, सी फूड बेचने वाले, और मीट हम जो है ऑनलाइन बेचने वाले हैं। तो चिकन का इमेज ला कर प्लेस किया,
फिर मैं देखूंगा और कौन सा इमेज अच्छा लग रहा है। तो ये इमेज भी जो है मुझे अच्छा लग रहा फिश का, तो फाइल में जाकर इसको भी मैं प्लेस करूंगा। और ये मैंने फिश का इमेज मैंने यहाँ पे लाकर प्लेस कर दिया। इसको भी मैं थोड़ा छोटा करूँगा। और थर्ड वाला जो इमेज है मेरा, वो मेरा मीट का इमेज है। तो मीट का इमेज इसमें अवेलेबल नहीं है, तो मैंने इसको भी कॉपी किया है और मैं इसको यहाँ पेस्ट करूँगा। तो ये मीट का इमेज भी आ गया, बकरे का गोश्त। अब इसको फाइल में जाकर इसको भी हम प्लेस करेंगे। तो मेरा मीट मटन, और इसको हम साइज़ में छोटा करेंगे और इसका साइज़ हम इसके हिसाब से एडजस्ट करेंगे। तो हमारी तीनों चीज़ें तैयार हो गई। अब हम तीन सर्कल ड्रॉ करेंगे। इसके लिए एलिप्स टूल का इस्तेमाल करेंगे। शिफ्ट और आल्ट दबाएंगे तो हमारा सर्कल बिल्कुल राउंड बनेगा। इसको हम वाइट कलर फिल करेंगे और इसको हम यहाँ लाकर रखेंगे। प्लेट को हम थोड़ी सी छोटा करेंगे, चिकन प्लेट को। इसको हम यहाँ लाकर रखेंगे। इसका हाइट थोड़ा सा बड़ा करेंगे। फिर एक इसका और एक कॉपी करेंगे, इसको यहाँ रखेंगे, फिर और एक कॉपी करके यहाँ रखेंगे। तीनों को सिलेक्ट करके तीनों का हाइट साथ में हम इसका छोटा करेंगे। ठीक है, अब हम इसको एडिट में जाएंगे, कॉपी करेंगे, फिर एडिट में जाकर इसको पेस्ट इन फ्रंट करेंगे और फ्री ट्रांसफॉर्म टूल ई प्रेस करेंगे। इसका सर्कल का साइज़ थोड़ा सा बड़ा करेंगे। इसको हम ग्रीन कलर देंगे। ऑब्जेक्ट में जाकर सेंड बैकवर्ड करेंगे। ये दो सर्कल डिलीट करेंगे, इनको दोनों को वापस सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, उससे पहले हम जो है जो हमारा बैकग्राउंड का जो ग्रीन है उसका वाइट करेंगे, और जो वाइट है हम उसको ग्रीन करेंगे, क्योंकि ये हमारा जो है मास्क है। हम उससे क्लिपिंग मास्क बनाएंगे बाद में। तो हमने तीन यहाँ पे हमारे ऑब्जेक्ट रखे, तो सबसे पहले हम इसमें चिकन रखेंगे। तो उसके लिए चिकन को यहाँ लाकर रखा। फिर मैंने ये ग्रीन सर्कल और ये चिकन का इमेज सिलेक्ट किया, दोनों पे राइट क्लिक किया, मेक क्लिपिंग मास्क कर दिया, ये चिकन आ गया। फिर अब हम मीट रखेंगे। तो मीट को थोड़ा सा इमेज हम छोटा करेंगे। अब मैंने क्या किया, ग्रीन सर्कल सिलेक्ट किया और मीट का इमेज सिलेक्ट किया और इसको राइट क्लिक करके मेक क्लिपिंग मास्क कर दिया, ये मीट आ गया। अब जो है फिश है, तो ग्रीन सर्कल सिलेक्ट किया, फिश का इमेज सिलेक्ट किया और मेक क्लिपिंग मास्क कर दिया, फिश आ गया। फिश के इसको इमेज को सिलेक्ट करके हम थोड़ा इसको छोटा करेंगे। और इसका हाइट थोड़ा और छोटा करेंगे। तो ये हमारी तीन चीज़ें बन गई। अब इसमें हम इसको जो है रेड वाला जो हमारा ये शेप है, इसको थोड़ा सा हाइट में हम बढ़ाएंगे, ताकि येलो थोड़ा कम हो जाए। हाँ, ठीक है, ये भी हमारा बराबर हो गया। अब हम इसको और थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे। उसके लिए हम जो है ये वाइट सर्कल जो है इसको थोड़ा और छोटा करेंगे। इसका इमेज साइज, इसका सर्कल का साइज़ हम इसमें हाइट में जाकर इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और इसको लॉक करेंगे। दूसरे सर्कल कंट्रोल दबाकर सिलेक्ट करेंगे। हाइट में जाकर अपना एडिट में जाकर इसका वैल्यू पेस्ट करेंगे, सॉरी इसको सिलेक्ट करेंगे। ये हाइट में जाकर कंट्रोल वी दबाएंगे तो इसका वैल्यू पेस्ट होगा, क्योंकि सर्कल थोड़ा बड़ा हो गया था, हमने छोटा किया इसको। ये हमारे तीन शेप बने। अब इन सबको हम जो है ग्रुप करेंगे, उसको ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करें, सबको एक साथ ग्रुप करें। एक ग्रुप हो गया, फिर इसको सिलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट में जाकर इसको भी ग्रुप करें, फिर इसको सिलेक्ट करें और ऑब्जेक्ट में जाकर हम इसको भी ग्रुप करेंगे। इन सबको हम थोड़ा थोड़ा नज़दीक लेकर आएंगे। अब जो है हम एक और चीज़ बनाएंगे, एक रेक्टेंगल शेप हम बनाएंगे। उसके लिए इस तरह से कुछ हम शेप बनाएंगे।
ये हमारा शेप बना। फिर हम जो है ऐड एंकर पॉइंट टूल लेंगे और इसके सेंटर एज में हम एक एंकर पॉइंट ऐड करेंगे और इसको हम इस तरह से करेंगे। इसका हाइट हम थोड़ा सा छोटा करेंगे, थोड़ा सा ऊपर रखेंगे इसको, और इन सबको हम सिलेक्ट करेंगे और थोड़ा सा और बाहर लाएंगे। फिर ये एज सिलेक्ट करके थोड़ा और इसको बाहर लाएंगे, सिलेक्ट करेंगे, अलाइन टू आर्टबोर्ड करेंगे। ये हमारा एक शेप और तैयार हुआ। अब इसमें जो है इसको थोड़ा सा नीचे ले लेंगे, इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करेंगे, इसका विड्थ थोड़ा और कम करेंगे, फिर इसको अलाइन टू हॉरिजॉन्टल, अलाइन टू राइट करेंगे, हॉरिजॉन्टल अलाइन राइट टू आउटपुट करेंगे। ये एक हमारा शेप तैयार हुआ। फिर विंडोज़ में जाएंगे, स्वैच लाइब्रेरीज में, ग्रेडियंट में जाकर ब्राइट में जाएंगे, ब्राइट ग्रेडियंट आ गए सारे, उसका पैनल ओपन हो गया। इसको सिलेक्ट करके इसमें ग्रीन कलर फिल या इसमें मरून कलर फिल करेंगे, ये हो गया। फिर जी प्रेस करेंगे ग्रेडियंट टूल और इसका जो पोजीशन है वो हम चेंज करेंगे, ठीक है, ये हो गया। अब इसको एडिट में जाएंगे, सॉरी अभी पेन टूल लेंगे, पेन टूल, फिर एक और लाइन हम ऐसी बनाएंगे इसकी, ठीक है। अब इसको हम स्ट्रोक इसका वाइट करेंगे, फिर इसका नन करेंगे, विंडोज़ में जाएंगे, स्ट्रोक का ऑप्शन है, स्ट्रोक पैनल, उसको ओपन करेंगे, डैश्ड लाइन पर सिलेक्ट करेंगे और इनकी जो स्पेसिंग है वो हम 3 करेंगे। अब इनको थोड़ा सा और एडजस्ट करेंगे ताकि हमारा शेप प्रॉपर लगे। अब इसके अंदर हम लिखेंगे अपना कुछ स्लोगन, ये शेप को थोड़ा और प्रॉपर करेंगे। अब इसमें स्लोगन लिखेंगे हम, ईट राइट लिव राइट, है ना, ये हमारा स्लोगन हो गया। अभी एक फॉन्ट का हम इस्तेमाल करेंगे, उसका नाम है बक्सटन स्केच। तो यहाँ पर आएंगे कैरेक्टर में, बक्सटन स्केच टाइप करेंगे, ये फॉन्ट हमारे पास आ गया। इसका हाइट थोड़ा बड़ा करेंगे, फिर हम हमारे इसको भी सिलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट को, और इसका भी हाइट थोड़ा बड़ा करेंगे। इसका कलर हम वाइट करेंगे, ईट राइट लिव राइट, ठीक है। ये बना हमारा बेसिक जो है ब्रोशर का एक शेप तैयार हो गया हमारा। अब इसको हम और इम्प्रूव करेंगे, थोड़ी सी और क्रिएटिविटी इसमें डालेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे कि नीचे एक बॉटम पर जो है हम एक इसका फुटर बनाएंगे जहाँ पर सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होगी। तो एक फुटर मैंने ऐसा ड्रॉ किया, इसका जो है आई ड्रॉपर टूल लेकर इसका रंग भी जो है, इसका कलर भी जो है हम मरून दे देंगे, तो मरून कलर इसमें भी आ गया। हो सके तो इसको थोड़ा सा डार्क, ये डार्क मरून है तो हम इसको ब्लड रन मरून कर सकते, ये ब्लड रेड हो गया, ब्लड रेड भी अच्छा नहीं लग रहा तो मरून ही रखेंगे। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर अब हम कोई और चीज़ बनाएंगे, एक कुछ और सोचेंगे क्या बना सकते हैं। तो ये राउंड रेक्टेंगल टूल से लेकर
हम इस पर एक ऐसा ये ड्रॉ कर लेंगे और इसको इस तरह से एडजस्ट करेंगे। इसका रंग जो है हम रेड करेंगे, ठीक है। अब इसको हम एडिट में जाएंगे, कॉपी करेंगे, वापस एडिट में जाएंगे, पेस्ट करेंगे, पेस्ट इन फ्रंट करेंगे एक्चुअली। अब ई प्रेस करेंगे और आल्ट प्रेस करेंगे और इसको इस तरह से हम छोटा करेंगे। फिर यहाँ से भी आल्ट प्रेस करके इस तरह से हम इसको छोटा करेंगे। अब जो है हमारे पास स्ट्रोक इसका क्योंकि नन है तो इसको हम स्ट्रोक इसका वाइट करेंगे, इसलिए स्ट्रोक में जाके वाइट और डैश्ड लाइन इसको भी करेंगे। और इसका पॉइंट अपने आप इलस्ट्रेटर ने डिसाइड कर लिया, ठीक है। ये हमारा हो गया। अभी एक नीचे का टैग लाइन या पंच लाइन, इसमें हम हमारी पंच लाइन लिखेंगे। उसके लिए हम टाइप करेंगे फ्रेश मीट डिलीवरी ऑन टाइम। इसको हम यहाँ लाएंगे और इसको हम बड़ा करेंगे। फॉन्ट हम चेंज करेंगे, कैलिब्री करेंगे और कैलिब्री बोल्ड करेंगे और इसका फिल कलर वाइट करेंगे। इसको कुछ इस तरह से हम एडजस्ट करेंगे, ठीक है। ये हो गया फ्रेश मीट डिलीवरी ऑन टाइम। इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे। अब एक हम क्लॉक बनाएंगे क्योंकि हम डिलीवरी के बारे में बता रहे तो हम बताना चाहते हैं कि हम जो है टाइम पर डिलीवरी करेंगे। उसके लिए क्लॉक बनाएंगे और इस क्लॉक को हम अभी इस तरह से ड्रॉ करेंगे। एक एलिप्स टूल के एक सर्कल, एलिप्स टूल लेकर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। फिर उसका जो फिल कलर है वो फिल कलर हम आई ड्रॉपर टूल से रेड करेंगे। फिर और एक सर्कल ड्रॉ करेंगे या इसको कॉपी करेंगे और पेस्ट इन फ्रंट करेंगे। फिर फ्री ट्रांसफॉर्म टूल जिसका शॉर्टकट ई है, प्रेस करके इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे। फिर इसका फिल कलर हम ये जो हमारा येल्लो है ये लेंगे। फिर वापस एडिट में जाएंगे, कॉपी करेंगे और पेस्ट इन फ्रंट करेंगे। फिर इसको भी हम छोटा करेंगे और इसको छोटा करके इसका जो फिल कलर है हम वो वाइट करेंगे। ठीक है, ये हमारी क्लॉक हम बनाने जा रहे हैं अभी। इसके बाद इसको फिर जो है हम इसके अंदर, क्योंकि ये सेंटर इसका हमको मिल गया अभी इसमें, अभी जो है हम इसके जो है इसके जो कांटे हैं घड़ी के वो हम जो है डिज़ाइन करेंगे। उसके लिए हम पेन टूल का इस्तेमाल करेंगे। तो पेन टूल के लिए हम जो है सबसे पहले पेन टूल लेंगे या हम जो है रेक्टेंगल टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रेक्टेंगल टूल लेके हम इसके कांटे बनाएंगे। उसके लिए इस पर सिलेक्ट किया, फिर डिलेट एंकर पॉइंट टूल लेंगे, इसको डिलेट करेंगे और इसको सेंटर में लाएंगे। इसके बाद फिर ऐड एंकर पॉइंट टूल लेंगे, फिर इसमें एक एंकर ऐड करेंगे और उसको थोड़ा सा नीचे ले लेंगे। ये अभी हमारे घड़ी के कांटे बन रहे हैं, ठीक है। फिर इसको जो है लाकर हम इसको सेंटर में रखेंगे और इसके बाद इसको फिल कलर देंगे। इसको हम जो है ये फिल कलर देंगे। अभी हमारा इसका घड़ी का एक कांटा बना, इसको जो है हम और एक कांटा बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हम इसका रोटेट जो टूल से जो है हम इसका सेंटर पॉइंट कांटे पे लाएंगे। ये सेंटर पॉइंट हम इसका यहाँ रखेंगे, ठीक है। आर टूल जाएं, रोटेट टूल उसका शॉर्टकट आर है, उसका सेंटर पॉइंट जो है हम यहाँ रखेंगे, ठीक है। अब इसको आप रोटेट करेंगे आर टूल से, सेंटर पॉइंट यहाँ रखे तो ऐसा रोटेट होगा, ठीक है। तो इसको अभी डुप्लीकेट करें। उसके लिए आप जो है सिलेक्शन टूल जिसका शॉर्टकट भी है, सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें कांटे को, और आल्ट प्लस और शिफ्ट प्रेस करके इसको मूव करें तो ये कांटे का भी हमारा डुप्लीकेट कांटा बन गया। हमारे पास अभी दो कांटे हो गए घड़ी के,
अब इसमें से एक का जो साइज़ है हम थोड़ा छोटा करेंगे, ठीक है। अभी दोनों का कलर जो है हम थोड़ा अलग अलग कलर यूज़ करेंगे। इसमें हमने ये कलर यूज़ किया था, दूसरे में हम ब्लू सियान कलर यूज़ करेंगे, या इसको थोड़ा सा और अलग करेंगे, थोड़ा ब्राइट कलर, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इसको वापस डुप्लिकेट करेंगे आल्ट और शिफ्ट प्रेस करके। अब इसका जो विड्थ और इसका चौड़ाई है वो हम इसका कम कर देंगे, ताकि ये हमारा सेकंड का काटा बने, ठीक है। ये हमारा सेकंड का काटा हो गया, और इसकी थोड़ी सी ये हम एडजस्ट कर ले, हाइट थोड़ी कम कर ले इसकी और एडजस्ट कर ले। तो हमारे तीन कांटे अभी तैयार हो गए। इसको हम रेड कलर दे देंगे, तो रेड कलर ले लिया। अब इसके बाद जो है हम इसको हमारे इस सर्कल पर लाएंगे, या हम क्या करेंगे, हम जो है इसको सारा कॉपी करेंगे, इस क्लॉक को, और यहाँ ला के रखेंगे। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, अभी एक और ये सर्कल को कॉपी करेंगे, एडिट में जाके कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, पेस्ट इन फ्रंट करेंगे एक्चुअली में, फिर ई प्रेस करेंगे, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, इसका जो है हम ये और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा करेंगे, इसको हम और छोटा करेंगे, और इसका कलर जो है ये वाइट ही रहने देंगे, और इसको हम लेकर आएंगे यहाँ पे, ये इसको यहाँ मूव करेंगे थोड़ा, और इसको हम लाएंगे अभी यहाँ पर, इसको कंट्रोल शिफ्ट और ओपन एंगल ब्रैकेट दबाएंगे तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट के पीछे चला जाएगा, सारे शेप्स के। कंट्रोल शिफ्ट ओपन ब्रैकेट, ये सेकंड का काटा। अब जो है इसको हम एडजस्ट करेंगे, आर टूल से हम सबसे पहले हम इन सब को जो है सेंटर अलाइन करेंगे, सिलेक्ट ऑल, अलाइन टू सिलेक्शन, और सबको सेंटर अलाइन कर लिया हमने। सर्कल को हम थोड़ा ऊपर ले लेंगे, ठीक है। अब इसका हाइट थोड़ा सा और शायद हमें कम करना होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड के काटे का इसका सेंटर पॉइंट जो है रोटर टूल से हम यहाँ बनाएंगे, और इसको हम इस तरह से रोटेट करेंगे, है ना। इसको सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट में जाकर अरेंज सेंड बैकवर्ड करेंगे। इस सर्कल को हम थोड़ा और छोटा करेंगे इसी तरह। फिर हम जो हमारा बड़ा वाला काटा है उसका जो है आर रोटेट टूल से उसका सेंटर हम यहाँ लाएंगे, और इसको भी हम थोड़ा इस तरह से रोटेट करेंगे। और इसका भी जो है हम आर टूल, सॉरी रोटेट टूल, जिसका शॉर्टकट आर है, प्रेस करके इसको भी हम थोड़ा सा इस तरह मूव करेंगे, रोटेट करेंगे, सबको ग्रुप करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ग्रुप, इन सबको लाकर इस के सेंटर में हम रख देंगे। तो ये हमारी घड़ी, एक बेसिक शेप घड़ी का तैयार हो गया। इसको थोड़ा सा और हम एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ा और इसको हम अच्छा करेंगे, तो उसके लिए सेकंड के काटे को जो है हम थोड़ा सा नीचे की तरफ लेकर आएंगे, आर प्रेस करेंगे, ये सेंटर लेंगे इसका, और कंट्रोल जीरो, अब जो है इस सर्कल के अंदर जो है हमको
टाइमिंग के निशान बनाने हैं, तो इसके लिए ये लेंगे। इसका कलर हम ग्रे रखेंगे, लाइट ग्रे, 70% ग्रे या फिर 60% ग्रे को कॉपी करेंगे, नीचे लाएंगे, इसको ऊपर लेकर जाएंगे, दोनों को सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ग्रुप करेंगे दोनों को। ये तो हमारा ऑलरेडी ग्रुप है, आप इसको और इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको भी सिलेक्ट करेंगे, अलाइन टू सेंटर करेंगे, इसको और इसको सिलेक्ट करेंगे, अलाइन टू सेंटर करेंगे। हम ये दोनों को एक इसके, क्योंकि ये ग्रुप हो चुका, किसी एक को सिलेक्ट करोगे तो दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। आर टूल लेंगे और इसका सेंटर में क्लिक करेंगे, आल्ट प्रेस करके इसको डुप्लीकेट, आल्ट शिफ्ट प्रेस करेंगे तो डुप्लीकेट हो जाएगा, ठीक है। आल्ट और शिफ्ट प्रेस करके आर टूल का इस्तेमाल किया और इसको इस तरह से मैंने डुप्लीकेट किया। अब जो है बाकी के इसके अंदर टाइमिंग के जो है हम आइकन्स क्या के उसको टाइमिंग के जो है मार्क्स हम इसमें डालेंगे, तो इस टाइम हम पतला मार्क लेंगे, ठीक है। और इसको पहले तो हम यहाँ रखेंगे, आर टूल लेंगे और इसको हम इस तरह से रोटेट करेंगे, इसका हाइट हम थोड़ा कम करेंगे, एक हो गया। फिर इसको भी जो है हम इसका सेंटर लेंगे, इसको भी हम रोटेट करेंगे इस तरह से के हमारी जो टाइमिंग्स है घड़ी की वो हमारी बन जाए। एक दो, तो मैंने कंट्रोल डी प्रेस किया तो ये सारा डुप्लीकेट हो गया, क्योंकि मैंने रोटेट किया था इसको, तो मैंने कंट्रोल डी प्रेस किया, ठीक है। तो ये बड़ा बढ़िया टूल है, आर टूल जो है बहुत बहुत ही अच्छा टूल है। ये कांटे को जो है हम थोड़ा और एडजस्ट करेंगे ताकि प्रॉपर टाइमिंग बताए, उसके लिए आर शॉर्टकट जो है रोटेट टूल का वो लेंगे, इस सर्कल का सेंटर लेंगे कि हम बताएंगे बराबर 2 बजे, हमने आप 2 बजे से पहले हमने आपकी डिलीवरी दे दी है, इसका मतलब ये है। अभी हम इसको सिलेक्ट करेंगे और रोटेट टूल से इसका भी सेंटर, इस सर्कल को लेंगे, है ना। तो ये हमारी घड़ी तैयार हो गई। अब इसको हम क्या करेंगे, ग्रुप करेंगे सबको, और ग्रुप करके हम इसको इसकी जगह लाके रखेंगे, है ना। अच्छा लग रहा है बड़ा, ये दोनों को सिलेक्ट करके ग्रुप करेंगे, फिर अंदर जाएंगे, फिर इन दोनों का जो है हम चौड़ाई थोड़ा बढ़ा देंगे। ये हो गया हमारा फ्रेश डिलीवरी, डिलीवरी ऑन टाइम का एक नीचे का पंच लाइन या जो भी आप इसको कहें। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम अभी इसके अंदर एक और कोई इसके अंदर हम लोगो रखें, यहाँ पे, यहाँ पे हम नाम दे दें अपना, ऑनलाइन मीट शॉप का नाम दे दें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे ऐसा, या ओवल बनाएंगे, ओवल बना के इसके अंदर हम वाइट कलर फिल करेंगे और इसका स्ट्रोक हम दे देंगे 5। स्ट्रोक का कलर हम देंगे डार्क मरून, या 3 दे दें, या सर्कल के बजाय हम कुछ ऐसा शेप बना सकते हैं, पेन टूल से
पेन टूल जो है बहुत बहुत बेहतर टूल है, आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। जितनी अच्छी तरह आप पेन टूल इस्तेमाल करेंगे इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप में, उतना अच्छा आपका डिज़ाइन हो जाएगा। अभी इसको एडिट में जाकर कॉपी और एडिट में जाकर पेस्ट इन फ्रंट, इस पर राइट क्लिक, इसको रिफ्लेक्ट, ओके। इसकी जगह या तो फिर मैंने एक मैं इसमें एक लोगो प्लेस करूँगा जो मैंने ऑलरेडी सेव करके रखा है, मीट मार्ट लोगो, ये कटआउट करके रखा है मैंने, इसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका हाइट थोड़ा बढ़ा लेंगे और हमारा जो टेक्स्ट है उसका हाइट और विड्थ थोड़ा कम कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा मीट मार्ट लोगो, इसको थोड़ा छोटा करेंगे। इसको थोड़ा इस तरफ में शिफ्ट करेंगे। अब इसकी हाइट थोड़ी और बढ़ाएंगे, फॉन्ट की साइज थोड़ी बढ़ाएंगे। अब ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो गया, बेसिक लीफलेट का स्ट्रक्चर। ये ट्यूटोरियल थोड़ा लंबा हो गया मगर अच्छा भी हो गया, बड़ा क्रिएटिव ट्यूटोरियल है, इसको आप बार बार प्रैक्टिस में लाएं। मैंने जो रोटेट टूल का इस्तेमाल किया है और मैंने जो पेन टूल का इस्तेमाल किया है वो भी जो है आप इस्तेमाल करना सीखें अच्छे से। पेन टूल पे जो है आप अपने हाथ को एकदम बैठा ले। अब ये मीट ऑनलाइन शॉप में नहीं लिया, फिर आई ड्रॉपर टूल लिया और इसको मैंने सारी प्रॉपर्टीज़ कॉपी कर ली, सेंट्रल लाइन किया मीट शॉप ऑनलाइन। अब मैं इसको जो शेप है हमारे रेड और येलो उसका साइज़ में थोड़ा और बड़ा करूँगा और उसके शेप को मैं थोड़ा और एडजस्ट करूँगा। थोड़ा ऐसा कर लिया, इसको इसको थोड़ा बढ़ा लेंगे। फिर ऑनलाइन मीट शॉप जो है उसका ऑनलाइन जो है वो फॉन्ट हम थोड़ा बड़ा करेंगे और ये बेसिक तैयार हो गया। अब इसके बाद नीचे हम हमारा नंबर डाल देंगे ऑनलाइन मीट शॉप का, तो इस ट्यूटोरियल के लिए मैं अपना ही नंबर डालता हूँ। इसके लिए जो है एक रिसीवर है मेरे पास डेस्कटॉप पे, ये रिसीवर मैं कॉपी करूँगा या मैं इसको इलस्ट्रेटर में लाकर प्लेस करूँगा। फाइल प्लेस डेस्कटॉप, तो मैं कॉपी करूँगा और बैक करूँगा और फाइल प्लेस यहाँ मैं इसको लाकर पेस्ट करूँगा अपने लिंक्स के फोल्डर के अंदर और इसको इम्पोर्ट करूँगा। अब मैं इसको इमेज ट्रेस में जाकर सिलोटे में कन्वर्ट करूँगा, ऑब्जेक्ट में जाकर इसको मैं एक्सपांड करूँगा। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको सिलेक्ट करके इसके एरियाज को डिलीट करूँगा, इसको थोड़ा छोटा करूँगा, यहाँ लाकर रखूँ इसको। इसका फिल कलर आई ड्रॉपर से येल्लो करें, बॉर्डर इसकी नन करें। अब इस पर तीन लाइन हम बनाएंगे, उसके लिए पेन टूल का इस्तेमाल करें। ये इसकी पहली लाइन, आई ड्रॉपर टूल से इस पर सिलेक्ट करें, फिर इसको स्वैच करें, फिर आई ड्रॉपर टूल से इस पर सिलेक्ट करें। इसकी पहली लाइन हो गई, फिर इसको आल्ट से इसको डुप्लीकेट करें, आर टूल लेकर इसका जो सेंटर पॉइंट है यहाँ रखें,
इसको इस तरह से घुमाएं, इसको इधर रखें, फिर वापस इसको आर टूल से, इसको आल्ट से डुप्लीकेट करें, फिर इसको इस तरह से हम घुमाएंगे इसको वापस से। थोड़ा सा और एडजस्ट करेंगे, तीनों को सिलेक्ट करेंगे, विंडोज़ में जाकर स्ट्रोक टूल है इसमें आकर इसको हम राउंड कैप करेंगे। देखा आपने इसके राउंड कॉर्नर जो है, यहाँ से आप इसको प्रोजेक्टिंग कैप मतलब रेक्टेंगल आप इसको कर सकते हो, कॉर्नर को यहाँ से राउंड कर सकते हो, यहाँ से कैप कर सकते हो। ठीक है, तो ये राउंड कॉर्नर्स हो गए। अब इसको हम ग्रुप करेंगे, थोड़ा यहाँ लाएंगे, फिर हम फॉन्ट लेंगे, उस पर लिखेंगे कॉल नाउ, और इसको हम कर लेंगे फ्रैंकलिन गॉथिक डेमी बोल्ड। ठीक है, फ्रैंकलिन गॉथिक डेमी इसको यहाँ रखेंगे, और इसका भी फिल कलर हम येलो करेंगे आई ड्रॉपर टूल से। इसको सबको सिलेक्ट करके एक साथ ग्रुप करेंगे, थोड़ा सा ऊपर लेकर जाएंगे एरो टूल से, इसको थोड़ा बड़ा करेंगे, इसको थोड़ा और ऊपर लेकर जाएंगे, और अब इसके नीचे हम अपना टेलीफोन नंबर डालेंगे। तो मैं अपनी खुद का टेलीफोन नंबर डालूँगा इसमें 0226505-4040। साइज फॉन्ट का कम करेंगे, 20 करेंगे, ये फॉन्ट के कलर को जो है टेलीफोन के वाइट कर देंगे। इसको इस तरह से एडजस्ट करेंगे, दोनों को लेफ्ट अलाइन करेंगे, फिर ये बना हमारा टेलीफोन नंबर और कॉल नाउ का ऑप्शन, कॉल नाउ। अब इसके बाद एक पेन टूल से स्ट्रोक बनाएंगे, डी प्रेस करोगे तो स्ट्रोक ब्लैक हो जाएगा, फिल को अनफिल करें, फिर वाइट कलर का इसमें फिल करें स्ट्रोक में, स्ट्रोक का कलर वाइट हो गया, इसको यहाँ रखे लाकर। अब इसके बाद इसके अंदर हम हमारा ईमेल आईडी डालेंगे, info@umarzone.com, इसको हम 12 करेंगे और यहाँ रखेंगे लाकर, इसको रेड का या वाइट करेंगे या रेड करेंगे या येलो करेंगे, सॉरी इसको हम वाइट ही रखेंगे। फिर ईमेल के बाद हम बनाएंगे वेबसाइट या एड्रेस हम देंगे, एड्रेस मुंबई महाराष्ट्र इंडिया, इसको हम देंगे ईमेल अब इसके ऊपर हम हमारी ऑनलाइन मीट शॉप की वेबसाइट का नाम देंगे। तो अभी हमारे पास कोई ऑनलाइन मीट शॉप का वेबसाइट नहीं है, ये जस्ट डेमो के लिए, इसलिए मैं अपनी वेबसाइट का नाम दूंगा www.umarzone.com/tutorials। इसको बड़ा करेंगे और इसको येलो कलर देंगे, यहाँ पे जो है अब हम हमारा कंटेंट हम अपना जो 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 चीज़ें बेच रहे हैं उसका नाम हम यहाँ लिखेंगे। तो इसके लिए मैं टाइप करूँगा, अभी फटाफट मैं टाइप करूँगा क्योंकि ट्यूटोरियल बहुत बड़ा हो गया है, तो इसको फटाफट टाइप करके इसको अभी हम ख़त्म करेंगे। तो हम पहले लिखेंगे होल चिकन विदाउट स्किन, फिर हम लिखेंगे ब्रेस्ट बोनलेस, फिर लिखेंगे लेग होल, फिर लिखेंगे प्रीमियम
कट लेग एंड चेस्ट, फिर लिखेंगे ड्रम स्टिक, फिर लिखेंगे चिकन लीवर, फिर लिखेंगे रॉ चिकन विथ स्किन, फिर लिखेंगे लेग बोनलेस चिकन, फिर लिखेंगे चिकन विंग्स। कैरेक्टर टूल है, शॉर्टकट कंट्रोल टी है, कैरेक्टर पैनल शॉर्टकट कंट्रोल टी है, सिलेक्ट करेंगे सबका साइज 18 करेंगे, हाइट इसकी 26 करेंगे या 30 करेंगे, यहाँ रखेंगे इसको। ये हमारे मेन्यू आइटम हो गए और इनको हम नाम देंगे, इसका हेडिंग लिखेंगे ऊपर। हेडिंग के लिए कॉल नाउ को कॉपी करके यहाँ लाएंगे, आई ड्रॉपर टूल से इसका कलर फिल कलर ब्लैक करेंगे, टाइप में जाके चेंज केस को अपर केस करेंगे, मेन्यू आइटम से इसका नाम देंगे, आई ड्रॉपर टूल से इसका फिल कलर हम रेड करेंगे। तो ये हमारे मेन्यू आइटम्स हो गए, तो थोड़ा सा इसका थोड़ा सा गैप कम करेंगे, 28 करेंगे, फिर मेन्यू आइटम के बाद इसको नीचे लाएंगे, यहाँ लिखेंगे क्वालिटी क्वालिटी गारंटीड, ये क्वालिटी को बड़ा करेंगे, क्वालिटी को ब्लैक करेंगे, इसका स्पेसिंग और थोड़ा कम करेंगे, 26 करेंगे, इसके नीचे लिखेंगे गारंटीड, इसका हाइट थोड़ा सा कम करेंगे, इसका साइज़ थोड़ा कम करेंगे, एक्चुअली पूरा हाइट और साइज सब ठीक है। अब इसके बाद यहाँ कुछ पंच लाइन और स्लोगन देंगे, उसके लिए इसको कॉपी करेंगे, इसको हम कह सकते हैं ऑर्डर माउथ वाटरिंग फ्रेश, तो डुप्लीकेट करेंगे, आल्ट और शिफ्ट दबा के नीचे लाएंगे, मीट कॉमा चिकन एंड एंड इसका हो सके तो हम स्मॉल रखें और फिश, इसको एडजस्ट करें। अभी मीट का जो आई ड्रॉपर टूल से रेड ले इसका कलर, रेड, फिर चिकन का जो फील कलर है वो डार्क ग्रीन रखे और फिश का फील कलर डार्क ब्लू रखेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर नीचे लिखेंगे हम विजिट, यहाँ पे लिखेंगे हम ऑनलाइन ऑर्डर माउथ वाटर फ्रेश, माउथ ऑर्डर माउथ वाटरिंग, वाटरिंग होगा एक्चुअली वो, ऑर्डर माउथ वाटरिंग फ्रेश मीट चिकन एंड फिश ऑनलाइन, है ना। फिर लिखेंगे विजिट आवर वेबसाइट टुडे, फिर इसको छोटा करेंगे, ई जो ट्रांसफॉर्म टूल के लिए उसका शॉर्टकट है, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल ई प्रेस करोगे तो ट्रांसफॉर्म के बॉक्स आ जाएंगे। ऑनलाइन का कलर कुछ अलग करेंगे, तो ये लगभग अभी हमारा ये प्रोजेक्ट ख़त्म होने आ गया, ये डिज़ाइन ख़त्म होने आया है। अब नीचे हम हमारी वेबसाइट टाइप करेंगे umarzone.com/umarzone.com बस, है ना। ये डेमो के लिए वेबसाइट है, यहाँ पे ये ऑनलाइन मैंने अपनी वेबसाइट का नाम डाला है, क्योंकि हम लोग किसी और का वेबसाइट नहीं यूज़ कर सकते, इसलिए अपना वेबसाइट डाला है, ठीक है। तो ये हमारा तैयार हो गया ऑनलाइन मीट शॉप का ब्रोचर, इसको थोड़ा सा और जो है लोगों को हम बड़ा कर लें,
अब ये जगह बराबर फील हो गया और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये ट्यूटोरियल बहुत पसंद आया होगा। ये बड़ा क्रिएटिव ट्यूटोरियल था, जिस तरह मैंने ऑनलाइन मीट शॉप का बनाया है, आप ट्रैवल एजेंसी का और आप जो है किसी भी बिजनेस का जो है आप लीफलेट बना सकते हैं, ब्रोशर बना सकते हैं, इसी तरह आप जो है छोटे छोटे हैंडबिल्स जो है बनाकर जो है अपने कस्टमर को दे सकते हैं। अगले ट्यूटोरियल्स में जो है हम कुछ और नया क्रिएटिव चीज़ डिज़ाइन करेंगे। आप जो है इलस्ट्रेटर के जो है हिंदी ट्यूटोरियल्स की फुल डीवीडी ऑर्डर कर सकते हैं उमर जोन से। उसके लिए आप विजिट करें www.umarzone.com/tutorial। और मेरे YouTube चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वेबसाइट डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन और ASP.NET के प्रोग्रामिंग के ट्यूटोरियल्स की DVDs के लिए आप उमर जोन से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।